सभी साथियों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस जूम मीटिंग में। दोस्तों, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं जिन व्यक्ति के माध्यम से आज मुझे बिजनेस मिला है, हमारे धनंजय सैंडी जी, हमारे रामा यादव जी, और सबसे जो कंपनी के फर्स्ट आईडी हमारे पवन कुमार जी, जिनके माध्यम से मुझे बिजनेस मिला, और आज जिनके नेतृत्व में हम लोग आज ये जूम मीटिंग रेगुलर लगातार 2 महीने से हम लोग इसको कंडक्ट कर रहे हैं। हमारे उपल सर बहुत ही मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि सर ने जिस तरीके से इस सिलसिले को जारी रखा हुआ है, वाकई मतलब हम लोग पूरे के पूरे जो परिवार है, हैप्पी हेल्थ के परिवार, जितने भी परिवार यहाँ से जुड़े हैं, वो सब के सब एकदम पॉजिटिव माहौल में आ चुके हैं इस जूम मीटिंग के माध्यम से। दोस्तों, आज पवन जी का बर्थडे है, तो मैं पवन जी को उनके जन्मदिन की बधाइयां देते हुए आज की मेरी इस मीटिंग की शुरुआत हूँ। दोस्तों, मैं करीब करीब 15-20 साल तक से ज्यादा हो गया मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में। उसके पहले कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनियों में मैंने काम किया था, तो एक वो भी अनुभव है। उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री में आया। इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो मुझे कुछ अनुभव मिला, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं इस इंडस्ट्री में आज किस तरीके से मेरे लोगों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, ये भी मैं आपको शेयर करूंगा। दोस्तों, आज जितने भी साथी मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, जितने भी साथी बैठे हैं, अलग अलग जगह से है, तो मुझे पता है कि आज का हमारा यहाँ पर आने का मुख्य कारण क्या है। पिछले मेरे ख्याल से 2 महीने से मार्च में ये हमारा सिलसिला जारी हुआ है। मार्च से हमारी ये जूम मीटिंग स्टार्ट हुई है। मार्च के कुछ 8-10 दिन मिले, फिर अप्रैल पूरा हमने मतलब इस सिस्टम को 2-2 मीटिंग हम लोग अटेंड कर रहे थे। फिर मई में हमारा 15 तारीख मतलब करीब करीब पहले दूसरे हफ्ते तक 2-2 मीटिंग रहा था। उसके बाद अभी एक मीटिंग चल रहा है। अब जून महीना आ रहा है, ये सिलसिला जारी रहेगा, अभी सर जी ने जैसे बताया। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है, हम लोग लगातार रोज आज इस जूम मीटिंग में बैठे हैं, इसका कारण क्या है? तो मेन जो है, हम जहां से भी यहां पर बैठे हैं, सबका एक ही पर्पज है कि मेरे नॉलेज में बढ़ोतरी हो जाए और मैं यहां पर सक्सेसफुल इंसान बनूं, हैप्पी हेल्थ इंडिया के माध्यम से एक बड़े लेवल पर मुझे सक्सेस मिले, इसलिए हम लोग यहां पर बैठे हैं। न जाने कितने दिन से हम लोग ये लगातार मीटिंग सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में वास्तव क्या है ये सब जानते हैं। जो भी व्यक्ति जहां पर भी बैठा है, आज उसके जीवन में वास्तव क्या है, वास्तव उसका उसको पता है। क्योंकि हम लोग अगर 2 महीने से लगातार हैप्पी हेल्थ इंडिया के मीटिंग में अगर बैठे हैं, तो इसका कोई तो कारण है कि हम यहाँ पर रेगुलर यहाँ पर बैठे हैं, रोज यहाँ पर हम लोग बैठते हैं, जो भी टाइम हम यहाँ पर दे रहे हैं, उसका एक ही मतलब कारण है कि हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छा खासा हमारा माइंड तैयार होना चाहिए, नेगेटिव माहौल से पॉजिटिव माहौल पे होना चाहिए, एक ये कारण हो सकता है। कुछ मेरे साथियों का ये कारण हो सकता है कि मुझे नॉलेज लेकर, मैं अभी अभी इस इंडस्ट्री में आया हूं, तो मेरा कुछ छोटा मोटा गड्ढा है। बहुत सारे लोगों, जितने भी साथी मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कुछ ना कुछ छोटे मोटे गड्ढे उनके जीवन में है। किसी का हो सकता है मोटरसाइकिल लिया होगा, उसका इंस्टॉलमेंट जाना है, किसी ने हो सकता है कुछ छोटा मोटा कर्जा लिया होगा घर रिपेयरिंग करने के लिए या घर बनाने के लिए, वो जाना है। हो सकता है किसी ने 4-व्हीलर लिया है, उसका EMI चल रहा है। हो सकता है किसी ने घर लिया है, उसका EMI जा रहा है। तो हर किसी का कुछ ना कुछ पर्पज है। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में इसलिए आते हैं क्योंकि मुझे इसके पहले भी पता है कि एक व्यक्ति रिटायर हुए थे और वो इस इंडस्ट्री में आए थे, मेरी मीटिंग में बैठे थे, और उसके बाद मैंने बोला कि सर आपका उम्र इतना है, आप तो मतलब अभी ऑलरेडी रिटायर हो चुके हो, ऐसा आपने बताया, तो अभी यहाँ पर आने का कारण क्या है? तो उस व्यक्ति ने मुझे एक बात बताई थी कि सर, मेरे 2 लड़के हैं जो बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छा मतलब इनकम करती है, वो भी जॉब में है, अब घर में मैं और मेरी बीवी और बच्चे उनके, जो मेरे जो पोता पोती घर में है, लेकिन मैं जब भी मतलब जॉब करता था तो डेली आना जाना मैं बिजी रहता था, और अभी मुझे घर में बैठे 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 पूरा ये मतलब बोलते ना कि घर से मैं बाहर ही नहीं निकल सकता हूं, इतना टेंशन आ जाता है, मतलब रोज वही सारी चीजें, मतलब जो बाहर में इधर उधर घूमता था अभी कुछ नहीं हो रहा है, और मैं घर में बैठे बैठे मेरा दिमाग पूरा मतलब ऐसा, मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, मेरा दिमाग भी मतलब एकदम कमजोर होता जा रहा है। और जब मैं आपकी मीटिंग में आया तो मुझे पता चला कि ये एक अनोखा सिस्टम है, ये एक अनोखा बिजनेस है, पैसा बाजू में, लेकिन यहाँ आने से मुझे आनंद मिलता है, यहाँ आने से मेरा दिमाग जो है वो मेरा बिजी रहता है। तो सर, लोग अलग अलग पर्पज से इस इंडस्ट्री में आए हैं, और पिछले 20 साल में इस इंडस्ट्री ने ऐसा कुछ धमाका करके दिखाया है
कि आज हम लोग वो सारी चीजें जान रहे हैं। तो दोस्तों हर किसी का अलग पर्पज है। क्या होता है, हम लोग देखिए दोस्तों सबको पता है, जब एक आम इंसान पैसा उसके पास अगर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, आम इंसान आम इसलिए है क्योंकि आज हमारे पास जब पैसा नहीं होता है तब हम लोग, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ये दिखावे में इतना कुछ करते हैं कि हम लोग और मतलब माइनस में चले जाते हैं। ये फैक्ट है, हमारे जो 90% इंडिया के लोग है, हमारे जो देशवासी है, उनका यही मतलब सबसे बड़ी कमजोरी है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता तब पैसा बहुत है ये दिखाने में हम लोग लग जाते हैं। और जिसके पास भी पैसा है दोस्तों, अगर वो कहीं से भी वो कमाया है और जिसके पास भी पैसा है, वो ऐसा दिखाता है कि मेरे जैसा कंगाल इस दुनिया में कोई नहीं। आप कभी भी गौर करना इस बात के ऊपर। तो हम किस कैटेगरी में, अपने को जानना है। हर कोई जहां भी जो भी बैठा है वो सोच समझ सकता है कि मैं कहां पर हूं, मैं दिखावा कर रहा हूं कि एक्चुअली मेरे पास पैसा है। परसों भी हमारे बुमला जी ने बताया था कि मुझे राज काले साहब ने मीटिंग में ट्रेनिंग में पूछा कि भाई तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है 40 के ऊपर। तो वो सही बात है, हम लोग नहीं है पैसा तभी दिखाने के चक्कर में रहते हैं, जब होता है तो वो जिसके पास होता है वो एक्चुअली मतलब बोलता है कि मैं कंगाल हूं। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर किसी का आने का एक बहुत सॉलिड कुछ ना कुछ रीजन है और इसलिए हम लोग यहाँ पर है। इसलिए हम लोग पिछले 2 महीने से लगातार एक भी मीटिंग हम लोग यहाँ पर मिस नहीं कर रहे, हम लोग सीख रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो आने वाले समय में बड़ा होने वाला है और इसलिए हम लोग यहाँ पर दोस्तों है। दोस्तों अगर ये छोटे मोटे जो हमारे प्रॉब्लम्स है, हर किसी के जो भी मतलब इनकम का जो सोर्स है उसमें बहुत सारे छेद लगे हुए हैं, सबको पता है, किसी के छेद 2 है, किसी के 4 है, किसी के 8 है, किसी के 10 है, किसी की पूरी छन्नी हुई है, मतलब जैसे ही इनकम निकलती सब साथ है। 90% इंडिया की जो जनता है इन सबके साथ यही प्रॉब्लम है, पूरी छन्नी लगी हुई है नीचे और जो भी आता है पैसा पूरा निकल जाता है। तो सारे के सारे जो रीजन हमारे है, वो रीजन जो पर्पज जो हमारा जो उसकी जो खोज है वो हमारे इस इंडस्ट्री में, इस हमारे कैपिटल इंडिया में खत्म हो जाती है। क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि इस टाइप का ये जो हमको प्लेटफॉर्म दिया है, आज हमारे संतोष सिंह जी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म हमारे लिए दिया है, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म, उसके बारे में रोज लोग कुछ ना कुछ बता रहे हैं, उसके बारे में रोज मतलब हमें यहाँ पर नॉलेज मिल रहा है, काम कैसे करना है, इसमें बेसिक्स क्या होते हैं, सारी चीजें आपको रोज बताई जा रही है। मैं कुछ अलग आपको थोड़ा सा इसमें लेके चलता हूँ, क्योंकि हमें अपने कारण को ढूंढना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर कारण है इस यहाँ पर बैठे हो, कुछ आप रीजन है इसलिए आप यहाँ पर बैठे हो। तो दोस्तों अभी हमें अगर ये सब कारण पता है, ये पता है, ये सारी चीजें अगर हमको पता है, तो हमें अपनी वैल्यू को समझना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, अपनी वैल्यू को समझना। मैं इसके पहले एक जगह काम कर रहा था, वहां पर एक पुलिस ऑफिसर के घर में मुझे जाने का मौका मिला। वहां पर मैं एक व्यक्ति को मतलब उनके लड़के को समझाने के लिए गया था। वो बोले कि पाटिल साहब मेरा लड़का है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो अभी इंजीनियरिंग कर रहा है लेकिन उसको साइड बाय साइड कुछ करना चाहिए, इसलिए आप आ जाओ एक बार मेरे लड़के को समझा, ये बहुत अच्छा आपका बिजनेस है उसको समझा। तो मैं मेरे बगल में बेलापुर वहां पर मैं गया था उनके घर पे। घर पे जाने के बाद क्या है, बच्चे आजकल आपको पता है कि बच्चों को नहीं नहीं ये सब हमको नहीं जमता, ये सब लोगों को जाना ये करना, मतलब बच्चे अपने अपने ही मर्जी में रहते हैं, अपने ही मूड में रहते हैं। उस बच्चे को वो सुनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैंने उनको पूछा भाई अभी आप यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपका जीवन में आगे क्या मतलब विचार क्या है। तो बोलता है मुझे ऐसा करना है, ये करना है, गाड़ी लेनी है मुझे नवी मुंबई में, मुझे घर लेना है। तो मैं यहाँ पर रहता हूँ नवी मुंबई में, अगर वहाँ 2 BHK लेना है, अगर वहां पर हमको 2 BHK घर लेना है तो कम से कम रेट है यहाँ पर 1.5 से 2 करोड़ रुपए का। तो मैंने उनको पूछा बच्चे को कि तुम्हारा जब तुम जाओगे जॉब करने के लिए तो तुम्हारा क्या मतलब सोच है, उम्मीद क्या है कि तुमको कितना पेमेंट मिल सकता है। तो बोला कि मुझे मैं इंजीनियर हूँ, बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ, 25,000 से शुरुआत हो सकती है और आगे जाके 50,000 रुपए तक का मेरा इनकम महीने का हो सकता है। तो मैं बोला आपको पता है कि यहाँ पर 2 BHK अगर लेना है नवी मुंबई में तो क्या रेट है। तो बोला कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए, मुझे पता है अभी वो गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं जो पुलिस को जो क्वार्टर्स मिलते हैं उसमें। तो मैंने बोला कि अगर मान लो कि आपका पगार अगर 50,000 रुपए है
50,000 को अगर एक साल का अगर आप इनकम निकालेंगे तो कितना होता है? तो वो बोला सर 12 महीने का 6 लाख रुपए होता है। तो मैं बोला आप कितने साल तक काम करोगे? तो ज्यादा ज्यादा 30 साल काम करेंगे आज के हिसाब से। तो अगर एक साल का 6 लाख रुपए तो आपका जो 30 साल है उसका पेमेंट कितना हो रहा है? तो करीब करीब उसका हो रहा था 1,80,00,000 रुपए। मैं बोला ये आपका उम्र का जब ये 30 साल कंप्लीट हो जाएगा आगे तब जाके इतना पैसा आपके पास आएगा 1,80,00,000, ये उस समय आपको पेमेंट आएगा। लेकिन आज अगर बात करें रेट अगर 1.5 करोड़ है तो उस समय घर की रेट क्या होगी, उस समय घर का कीमत क्या होगा, आप सोच लो थोड़ा, मतलब आप कहां पर हो। अगर ये सपना आपको पूरा करना है तो आपके जॉब से कब पूरा होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ये सपना आपको पूरा करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग को आपको सीखना पड़ेगा, आपको इस इंडस्ट्री में आना पड़ेगा, हर किसी को इस इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। तो तब वो समझ गया और वो इस हमारे साथ वो जुड़ गया, आज भी वो हमारे साथ यहाँ पर है। तो दोस्तों हर किसी को ये जब क्लियर हो जाता है कि मुझे एक्चुअली इस इंडस्ट्री में क्यों आना है, तब वो इंसान क्लियर हो जाता है, यस मैं इसमें काम, वो सीखने के लिए तैयार हो जाता है। तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमको उनके साथ इस तरीके से जो भी एक्चुअल वास्तव जो है वो उनके सामने रखना पड़ेगा, तब जाके वो व्यक्ति अपने साथ जुड़ जाएगा। ज्यादा मतलब हमको उनको कोई भी मतलब चढ़ा बढ़ा के, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है, आज चढ़ा बढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री में हमको अगर कुछ भी बड़ा काम करना है, कोई भी बहुत बड़ा काम करना है, तो सबसे पहली अगर चीज है तो उस इंडस्ट्री का जानकारी लेना। हम इस इंडस्ट्री में आते हैं लेकिन मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम लोग मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसका कारण क्या है? तो एक ही कारण है, हम लोग नॉलेज नहीं ले पा रहे। इस इंडस्ट्री का छोटा 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 जो नॉलेज है वो हम नहीं ले पा रहे। हम मीटिंग में तो आके बैठते हैं लेकिन हमारा दिमाग यहाँ पर नहीं रहता, किसी और जगह रहता है, हम लोग खाली हाजिरी लगाने के लिए बैठते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर पल हर क्षण हर जगह कहीं भी हो हमें डायरेक्ट सेलिंग का एक मोटिवेशनल, एक अपने नॉलेज बढ़े, बिजनेस के लिए मैं आगे बढ़ू इसका नॉलेज जहां से भी मिले, जिस भी इंसान से मिले, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो कोई भी लीडर हो, उससे हमको ये नॉलेज लेना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है जन्म होते ही कोई मतलब बहुत बड़ा नॉलेजेबल नहीं होता, आप सबको पता है। दोस्तों आज अगर बात करें तो अगर कोई पायलट बनता है तो कितने साल लगते हैं? क्या उसको पहले पता होता है कि प्लेन कैसे उड़ानी है? कितना प्रयास करना पड़ता होगा, कितना नॉलेज लेना पड़ता होगा, कितना टाइम देना पड़ता होगा, कितना पैसा खर्च करना पड़ता होगा, आप सोचिए। लेकिन पायलट बनने के बाद भी या एक इंजीनियर बनने के बाद भी या एक कोई भी प्रोफेशन अगर बनने के बाद भी अगर महीने का 10 लाख रुपए नहीं कमाया जा सकता, ये आपको भी पता है, हर जगह महीने का 10 लाख रुपए नहीं कमाता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हम महीने का 10 लाख रुपए का सपना देख सकते हैं। हमारे पवन जी आज यहाँ 20 लाख, बहुत सारे लोग हैं जो महीने 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख, और इस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो 1.5-2 करोड़ के इनकम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ वो पूरा हो सकता है, क्या किया उसके लिए, लाइफ में एक बार एक पैकेज परचेस किया, उसके बाद घर के लगने वाले प्रोडक्ट हमने चेंज किए और आज हम 1.5 करोड़ की बात करें, 2 करोड़ की बात करें, 20 लाख की बात करें, 25 लाख की बात करें, सिर्फ यहाँ पर बातें करके कुछ मतलब जो हमारे हैबिट्स है उसको चेंज करके अगर हम लोग मतलब लाखों करोड़ रुपए कमाने का सपना देख सकते हैं तो यही इंडस्ट्री है। बाकी और अगर यहाँ पर अगर करोड़ रुपए मिल पर अगर 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोग ले सकते हैं तो यहाँ भी सीखना पड़ता है, वो जानना पड़ेगा। एक बार पर्पस क्लियर हो गया तो उसके बाद इस इंडस्ट्री को जानना पड़ेगा। 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 3 साल लगातार बार 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 हमको सीखना पड़ेगा। जब तक ये हमारा दिमाग खाली रहेगा तब तक हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान किस काम का नहीं है, ये पहले ध्यान में रखना। एक हकीकत मैं बात बोलता हूं, एक व्यक्ति तबला सीख रहा था, उसके बगल में उसका दोस्त भी इसके बाजू में आके बैठता था। ये तबला सीखने वाला अपने उनके गुरुजी के शिंदे करके उनके पास जाता था और तबला सीखता था और घर में आके वो प्रैक्टिस करता था। तो ये बाजू वाला था वो थोड़ा सा होशियार था, वो इसके घर में आके बैठता था और उसके साथ बैठ के वो भी मतलब तबले में हाथ चलाता था। अब एक दिन क्या हो गया कि ये पूछता है उसका दोस्त कि भाई तुम तबला कहां पर सीखते हो, मुझे उनका एड्रेस दो। एक 6 महीने के बाद तो वो बंदा वो एड्रेस लेके उस गुरुजी के पास, शिंदे गुरुजी के पास चला जाता है। जाने के बाद वो उनको बोलता कि सर आपका बहुत मैंने नाम सुना है, आप तबला मास्टर हो, आपका पूरे इंडिया में नाम है, तो सर मुझे आपके पास तबला सीखना है। तो बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बोलता है कि सर आपकी फीस कितनी है, तो बोलते महीने का 5,000 रुपए। वो बोलता है सर आप वो एक आपके स्टूडेंट है वो मेरे बगल में रहते हैं,
और उनके पास थोड़ा देख देख के पढ़ पढ़ के मैंने सर आधा तबला सीख लिया है, तो मेरी आप फीस कितनी लोगे, क्योंकि मुझे आधा आता है। तो शिंदे गुरु जी उनको बोलते कि बेटा अगर तूने वो आधा सीख लिया है तो तुम्हारा महीने का लगेगा 10,000 रुपए। ये भड़क जाता है, ये भाई एकदम गर्म हो जाता है, सर मैंने आपका इतना नाम सुना है और आप मुझे 5,000 का 2,500 करने के बजाय आप मुझे बोल रहे हो सर आप 10,000 रुपए लेंगे, ये सर कैसे, ऐसा कैसे आपने बता दिया, मैं तो सीख चुका हूं आधा। तो सर उनको बोलते हैं बेटा जो तुमने आधा अधूरा ज्ञान लिया है उस ज्ञान को बाहर पहले मुझे निकालना पड़ेगा, उसको बाहर निकालने का मैं 5,000 रुपए लूंगा और फिर मेरा ओरिजिनल जो ज्ञान है वो अंदर भरने का 5,000 रुपए लगेगा, तो ऐसा तुम्हारा 10,000 रुपए लगेगा। तो दोस्तों ये आधा अधूरा ज्ञान इस तरीके से हमको डबल खर्चे में डाल देता है, डबल टाइम चला जाता है, डबल उलझन में डाल देता है और हम लोग सालों साल तक पीछे ही रह जाते हैं। तो एक्चुअल नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज वो मिलता है हमको प्रैक्टिकल काम करने से, वो मिलता है हमको रेगुलर अपने अपलाइन के टच में रहने से, रेगुलर मीटिंग अटेंड करने से, पूरे दिल और दिमाग से यहाँ पर बैठने से। तो दोस्तों अगर सही में हमको बड़े लेवल पर अचीवमेंट चाहिए तो ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, और वो ज्ञान भी कैसा चाहिए, परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। हम अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी हमको बनना है, ये जो फील्ड है इसके पक्के खिलाड़ी बनने, कच्चा खिलाड़ी नहीं बनना है, फिर हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। आप सभी को बताएं अगर तेंदुलकर तेंदुलकर बना तो पक्का खिलाड़ी बन गया, क्यों बन गया, उतना सारा ज्ञान, वो उतनी डेडिकेशन, उतना उनका वो सब मतलब उस खेल के प्रति उनका उतना पूरा मतलब फोकस। तो इस तरीके से हम जितने ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने का प्रयास करेंगे, जितना प्रॉपर नॉलेज लेने का प्रयास करेंगे, जितने अपलाइन के टच में रहेंगे, जितना हम प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, प्लान के बारे में नॉलेज, सिस्टम के बारे में नॉलेज, लोगों का किस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है उसके बारे में नॉलेज, जो भी बंदा आज यहाँ पर जूम मीटिंग में बात कर रहा है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर जूम मीटिंग में आके लीडर हमको यहाँ पर जो ट्रेनिंग दे रहा है, अपने मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मीटिंग में बिठाना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा लोगों को, तब जाके ये पॉसिबल है, तब जाके हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है दोस्तों, और तब जाके हम लोग इसमें मतलब बड़े लेवल पर जा सकते हैं। दोस्तों हमें इस हैप्पी हेल्थ इंडिया को आज जो सिचुएशन है वो हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अभियान के तौर पर चलाना पड़ेगा, एक अभियान के तौर पर, बहुत बड़ा अभियान, एक अभियान के तौर पर चलाना पड़ेगा। इसका कारण ये है क्योंकि आज गवर्नमेंट भी हमको सपोर्ट कर रहा है कि भाई हमारे देश के प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। तो आज परसों भी हमारे सर ने बताया, कल ही बताया था कि 90 लाख करोड़ में हमको जाना है, ये सही बात है। आज अगर इसको हम लोग अभियान के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। हम लोग अगर सभी के सभी क्रांतिकारी के रूप में अगर इसको देखेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। लॉकडाउन के पीरियड में मैं भी वही कर रहा हूं, जितनी ज्यादा पुरानी डायरी है, जितने भी ज्यादा पुराने सारे नंबर्स है, मेरी टीम को भी मैंने वही बता दिया है, जितनी ज्यादा ज्यादा कॉन्टेक्ट है उनको निकालो, क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत 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 आसान है। इसका कारण ये एक है जो मुझे लगता है, इसमें ज्वाइनिंग के किट में भी घर का सामान मिलता है, ज्वाइनिंग के किट में भी, ये आसानी से हम बता सकते हैं। बाकी जगह मान लीजिए कपड़ा लेना, ये लेना है, वो लेना है, तो लोग मतलब बोलते हैं कि अभी वो काम का नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें आज भी लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारे काम की है, किसी भी हालत में काम की है। तो जहां पर भी, और बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस हो रहा है, मुझे भी लग रहा था कि मैं मुंबई में बैठ के कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि बिजनेस हमारा बढ़ रहा है। आज भी हमने शॉपिंग का पैसा डाला हुआ है, बहुत बड़े लेवल पर हम लोग मतलब अभियान को, इसको मतलब बहुत ही पावरफुल तरीके से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। फोन पर जितना हो सके सेफ रखे, घर में रखे, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमको पहुंचना है और उनको इस अभियान के बारे में समझाना है। दोस्तों एक तरफ से गवर्नमेंट जो बोल रहा है उसको हम लोग खरा उतार के दिखा देंगे। घर घर में हमारा प्रोडक्ट जाना चाहिए, घर घर में हमारे प्रोडक्ट से लोग नहाने चाहिए, घर घर में हमारे प्रोडक्ट का लोग पेस्ट करना चाहिए, घर घर में हमारे जो हमारे मसाले है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब इस तरीके से हम लोग इसको अभियान के रूप में लेंगे, और अभियान के रूप में लेते समय क्या होगा कि हमारा जो व्यक्ति है, हमारा जो हैप्पी हेल्थ का जो व्यक्ति है, वो समझ में आना चाहिए यस ये बंदा बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत जबरदस्त नॉलेज है, ये बंदा मतलब एकदम एथिकल बंदा है। मतलब हम इस अभियान के साथ अपनी वैल्यूज को भी बढ़ाएंगे, हैप्पी हेल्थ इंडिया के लोगों की एक अलग पहचान होनी चाहिए, ये लोग समझदार लोग है, ये लोग बहुत ही मतलब पावरफुल लोग है, ये लोग पॉजिटिव लोग है, ये लोग
जोशीले लोग हैं, इनके साथ रहने से हमें आनंद आता है, इनके साथ रहने से हमारी प्रोग्रेस हो सकती है, ये सामने वाले व्यक्ति को उसको महसूस होना चाहिए, वो महसूस करा के देना है हमको। और इसलिए भी हमको नॉलेज बहुत जरूरी है, इसलिए भी हमको इस बिजनेस का पूरा पूरा ज्ञान बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हमारा हैप्पी हेल्थ का बंदा मतलब समझ में आना चाहिए, दूर से भी समझ में आना चाहिए ये हमारा व्यक्ति है, ये हमारा लीडर है, ये हैप्पी हेल्थ का बंदा है। तो परिपूर्ण नॉलेज हमको होना बहुत जरूरी है। और अभियान में मतलब हम हर किसी को शामिल करेंगे, जो कस्टमर है भले वो चाहता है कि मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन कस्टमर बनना चाहता है उसको भी यहाँ इन्वॉल्व करना है, जो मतलब बिजनेस करना चाहता है उसको भी यहाँ इन्वॉल्व करना है, जो रिटेलिंग करना चाहता है उसको भी यहाँ पर इन्वॉल्व करना है। हर तरीके का व्यक्ति यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहिए, हर तरीके का व्यक्ति यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहिए। और वो इन्वॉल्व होके 100% जब भी ये लॉकडाउन का पीरियड खत्म होगा, जब भी ये थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम चल रहा है शांत हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों अपना ही मैदान पूरा खाली है। जीतेंगे तो हम लोग ही जीतेंगे, जीतेंगे तो हमारी टीम जीतेगी, जीतेंगे तो हमारे HAGI के परिवार जीते। तो दोस्तों इसका क्या है, हमको हमारे संजी ने, हमारे पवन जी ने, अटल जी ने, जितने भी हमारे उन्होंने इतना बेहतरीन सब कुछ बना के रख दिया है। और परसों तो सर ने बताया कि आने वाले 2 महीनों में ये इसका पूरा मतलब नक्शा चेंज हो जाएगा, इसका पूरा मतलब जो रंग रूप चेंज हो जाएगा। तो हम लोग ऑलरेडी है वो बहुत बेहतरीन है, और इससे भी जाकर बेहतरीन होने जा रहा है ना, सोपे सुहागा। तो हमको तैयार रहना पड़ेगा, हमको नॉलेज लेकर तैयार रहना पड़ेगा, हमारे लोग तैयार होने चाहिए, अकेला तैयार होने से मतलब नहीं है। मेरे साथ मेरी टीम, अगर मेरे साथ लेफ्ट और राइट से अगर 100 लोग एकदम वॉरियर बनकर बनकर पूरे मतलब वैल्यूज उनके अंदर बहुत जबरदस्त है, वो किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचते, वो किसी के भी बारे में मतलब जब भी जाएंगे पूरा उनका मतलब रिलेशन जितने जबरदस्त है, वो समझ में आता कि ये एक ही है, इस टाइप के लोग हमारे टीम में तैयार होने चाहिए। तो आने वाला जो समय है, आने वाला जो टाइम है, वो हमारे हाथ में होगा और हम लोग उसको जीत के रहेंगे। और जो बोला जाता है कि 90 लाख करोड़ में जाना है, तो उसमें हम लोग उस टर्नओवर में हम लोग जा सकते हैं, 100% हम लोग उसमें जा सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अभी जितने भी साथी हमारे टीम में आए हैं, पर्टिकुलर उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा। लोगों को जोड़ने का मतलब है लोगों के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत जबरदस्त रिलेशन होना चाहिए। दोस्त आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अलग अलग टाइप के मतलब प्लान घूम रहे हैं, और इसमें अगर हमारा रिलेशन कमजोर होगा तो वो बंदा हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा हमको पता नहीं। और इसलिए खाली जोड़ने से काम नहीं होगा, जोड़ने के बाद मतलब एक्चुअल जोड़ने का मतलब क्या है कि उसको दिल दिमाग पूरे मतलब बोलते हैं ना कि सारी चीजों से उसको जोड़ना है उस व्यक्ति को। मतलब क्या बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना कि कुछ लोगों के लिए कुछ काम ऐसे करने चाहिए बिना मतलब के, तब और भी मतलब अच्छा रिलेशन आपका बन जाता है। इतना रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति या उनको लगना चाहिए कि भाई ये मेरे लिए काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। ये जब तक आपके टीम में आपके करीब करीब 10 लोगों को, आपके अकेले के 10 लोगों तक ये ऐसा जब तक ये महसूस नहीं होता, तब तक आपका ये जो काम है वो बहुत मतलब दूर का काम है। महसूस होना चाहिए उसको, यस ये मतलब मेरे लिए। और इस टाइप का हम लोगों के साथ बिल्ड करेंगे तो हम बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत मतलब बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग जो भी व्यक्ति मेरे पास आया है छोटा छोटा, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मैंने लोगों मेरे टीम में मैंने मतलब अभियान चला है, ज्यादा अगर जून और जुलाई 2 महीने मिला के मेरी टीम में अगर कोई 5,000 भी कमा रहा है, जून और जुलाई मिला के मेरी टीम में अगर कोई 10,000 भी कमा रहा है, या 2 महीने में अगर कोई 20,000 भी कमा रहा है, तो आज इस लॉकडाउन के दरमियान वो 20 लाख के बराबर है, वो 5,000 5 लाख के बराबर है, वो 10,000 10 लाख के बराबर है। और ये जब तक हमारे लोगों को हम लोग ये उसको भरोसा नहीं देंगे, यस यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, जब तक हम उसको भरोसा नहीं दिला देंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों ये मैंने अभियान छेड़ा हुआ है, इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे हमारा 1650 का किट हो, चाहे हमारा 3,000 का किट हो, चाहे हमारा 5,500 का किट हो। और ये हमारा सिलसिला जारी भी हो चुका है, मुंबई पुणे में इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी हमने इस अभियान को छेड़ा हुआ है, और ये थोड़ा थोड़ा सामने मुझे नजर आ रहा है कि ये पूरा होता जा रहा है। इसका कारण क्या है कि मैंने एक चीज को फोकस किया है, फर्स्ट रिवॉर्ड, फर्स्ट रिवॉर्ड
जो एक तरफ 9000 बिजनेस चाहिए, एक तरफ 6000 बिजनेस चाहिए। और इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति का वाउचर भी बनेगा और साथ में फर्स्ट रिवॉर्ड। अगर ये देखिए रिलेशन बिल्ड करने का ये काम है। अगर देखो हमने बड़ी बड़ी मतलब स्टेज में गए हैं, हम लोग 3-3, 5-5, 10-10 हजार लोगों को हमने हैंडल किया है, हमने वो हार फूल ये वो सारे मतलब जो बोलते हैं कि एकदम झगमगाहट वो सारी चीजें की है। लेकिन जो नया बंदा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो बॉटम लेवल का बंदा है, उस व्यक्ति को अगर उसके लिए हमने काम किया, ये अगर उसको महसूस हो जाएगा कि भाई मेरा आज मतलब सम्मान हो रहा है, डिजिटल आज इंडिया है पूरा, मतलब उसका इस तरीके से सम्मान होना चाहिए, उसका इस तरीके से हम लोग उसको फोकस करेंगे कि उसको लगना चाहिए कि भाई यस ये मेरे लिए काम कर रहे हैं, ये मेरा मतलब मेरे मतलब जैसे बोला जाता है ना, उस व्यक्ति का जो बोलते हैं ना कि वो अचीवमेंट होने के बाद एपीएल इंडिया के माध्यम से अपने इस परिवार में हमको ये महसूस होना चाहिए, हमको ये मतलब जब भी बड़े बड़े हमारे फंक्शन हो गए उस समय अगर कोई व्यक्ति अपनी एक कार लेता है, जैसे अभी हमारे उपल सर ने लिया, एक व्यक्ति अगर कोई कार लेता है छोटी कार, ये बड़े बड़े कार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ या बड़े अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उस व्यक्ति ने अगर एक रिवार्ड अचीव किया और उसको अगर हमने अपने परिवार के साथ उसको यहाँ पर बुलाया, उसका मान सम्मान किया, उसको स्टेज पर बुला के उसके लिए हमने मतलब या तालियां बजाई, तो उस समय उसके आंखों में जो आंसू आते हैं, आनंद आंसू जिसको बोला जाता है, वो हमारे लिए डायमंड के जैसे होने चाहिए। और ये भावना जिस दिन हमारे हैप्पी हेल्थ इंडिया के परिवार में सबके दिल में आ जाएगी, उस दिन ये अभियान की तरफ हम लोग जा रहे होंगे। ये अभियान की मैं बात कर रहा हूं, अभियान अभियान कोई भी किसी भी टीम का हो, किसी भी स्टेट का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, लेकिन ये अभियान के रूप में हमको इसके अगर हम इसको लेके जाएंगे तो मजबूती का आधार हमारा बढ़ेगा और इस मजबूती के साथ हैप्पी हेल्थ इंडिया बाकी सारी कंपनियों को, क्योंकि देखिए अगर हमको बाकी कंपनियों को पीछे छोड़ना है, अगर हमको 90 लाख करोड़ में जाना है, तो हमारा एजुकेशन बहुत मतलब लोगों के अंदर वैल्यूज बहुत बढ़नी चाहिए, लोगों का एजुकेशन बहुत पावरफुल होना चाहिए और लोग हमारे कट्टर बोलते हैं ना, कट्टर एकदम ऐसे तैयार होने चाहिए। और जब आप सभी को पता है जब लोग कट्टर बन जाते हैं ना, एक समूह ऐसा बन जाता है जो एक विचार का है, दुनिया की ताकत उनको सफल होने से नहीं रोकती, ये आपने देखा हुआ है। आप नेशनल ज्योग्राफी देखते होंगे, आपको पता है जब अकेला कोई मतलब एक कोई कोई भी एक अकेला प्राणी वैसा है या कोई भी है और वहां से अगर 3-4 शेर आते हैं तो उसको कैसे भी वो मार देते, आपने देखा हुआ है। लेकिन जब ये 100, 150, 200, 500, 1000 भैंसों का जो समूह होता है और वो सब के सब इतने पावरफुल होते हैं, तब कितने भी शेर आगे हो उनको डरना पड़ता है, उनको अपना रास्ता बदलना पड़ता है, ये आपने देखा है। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति से काम नहीं होगा, 100 व्यक्ति से काम नहीं होगा, ऐसे हमारे पूरे टीम में पूरे इंडिया में ऐसे कट्टर लोगों की एक बोलते हैं ना कि एक पूरी फौज होनी चाहिए, फौज। और उस समय ये जो हमने एक व्यक्ति से क्या हो सकता है, 1, 2, 10, 20 व्यक्ति से क्या हो सकता है, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से आगे हो सकते हैं। लेकिन अगर पूरी फौज है हमारे टीम में पूरे इंडिया में, तो हम लोग जो ट्रेडिशनल वाले हैं उनके उनका जो जो हिस्सा है उसमें हम लोग जाके बैठ सकते हैं, 90 लाख करोड़ में हम लोग जाके बैठ सकते हैं। और उसके लिए नॉलेजेबल पावरफुल जोशीले और वैल्यूएबल लीडर्स की बहुत जरूरी है। और वो आज कोई मतलब अभी जुड़ा है वो भी बन सकता है, जो कोई 4-5 साल पहले जुड़ा है वो भी उसमें है, और जो आने वाले है वो भी उसमें है। क्योंकि 5 साल हमको आने वाले मतलब 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 मतलब इस तरीके से करने होंगे कि पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम मतलब कौन से मतलब बोलते हैं ना कि किस लेवल पर जाना चाहिए, ये आज सारे हमारे ऊपर के अपलाइन बोल ही रहे सवाल ही नहीं। तो इस तरीके से अगला हम लोग पूरे अभियान के रूप में इसको लेते हैं और एकदम अपने जैसे विचार के ज्यादा से ज्यादा लोगों की अगर हम लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करते हैं, पावरफुल लोगों का अगर हम लोग झुंड बना देते हैं, यस ये HHI के लोग है, ये HPL के लोग है, ये वॉरियर है, तो इस टाइप के लोग हमको यहाँ पर तैयार करने हैं और वो तैयार हो रहे हैं, मुझे उसका बहुत आनंद हो रहा है। क्योंकि अपने डेली के डेली लोग झूम मीटिंग में ज्यादा ज्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने ज्यादा ज्यादा इसमें बिठा रहे हैं। एक तो ये नेशनल लेवल की हमारी मीटिंग होती है, इसके अलावा हर कोई अपने अपने पर्सनल लेवल की मीटिंगें कर रहा है, हर कोई अपने अपने पर्सनल लेवल पर मीटिंगें कर रहा है। दोस्तों अगर ये हम लोग करते तो आने वाले समय में जैसे हमारे क्रांतिकारी जो पहले होके गए उन्होंने उस समय जो काम करना था वो कर दिया, लेकिन आज सही में जो बोलते हैं ना आर्थिक आजादी का जो अभियान है, आर्थिक आजादी तो मिलनी चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल काम करेंगे। प्रैक्टिकल हमारे पूरे जितने भी यहाँ पर संतोष सिंह जी से लेके जो भी बॉटम का बंदा है या जो आने वाला है इस हमारे इंडस्ट्री में, सबके सब क्रांतिकारी अगर हमको बोलना चाहिए अभियान आर्थिक आजादी के अभियान का,
तो हमको अभी से उतना डेडिकेटेड काम करना पड़ेगा, उतने पावरफुल लेवल पर हमको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। दोस्तों कभी भी इस सिस्टम में अगर कोई भी अप्लाइन, उसका कितना नॉलेज है, क्या है क्या नहीं है, वो सब अलग बात है, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग पूछते कि सर इसमें मतलब सही में एक्चुअल क्या करना पड़ेगा, तो सबसे मेन चीज है सीखना है, जोश के साथ रहना है, टीम के साथ रहना है, अच्छे रिलेशन बिल्ड करने, इसके साथ साथ अपना दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं। जो भी अपना दिमाग लगाएंगे वो बहुत पीछे रह जाते हैं। अगर जूम मीटिंग हो रही है तो कोई बोलेगा नहीं मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, नहीं चलेगा। अगर अपलाइन बोल रहे कि इस तरीके से हमको चलना है तो अपने को वैसे ही चलना पड़ेगा, नहीं तो ये अभियान आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। सबका विचार एक होना चाहिए, सबकी सोच एक होनी चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपना दिमाग लगाने वालों का हालत क्या होता है, जैसे अभी एक ने कोरोना के ऊपर एक हमको ये भेजा था कि एक बांद्रा में, मतलब एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, कि एक डिब्बे में एक व्यक्ति बैठा और वो जाता है बाथरूम में और बाथरूम से आता है, डिब्बे में लोग बैठे हैं लॉकडाउन का पूरा पालन करके, और वो बंदा भी आया उसमें, और उसने क्या किया कि देखा कि यहाँ पर बहुत भीड़ है और उसने जानबूझ के मतलब छींके निकाले 15-20, तो वहां के लोगों को लगा कि भाई ये आ गया कोरोना वाला, इसलिए सारे के सारे फटाफट भाग गए वहां से, उतर गए और अलग अलग डिब्बे में जाके बैठ गए। इसने क्या किया, मस्त एकदम उसमें अपना बिछाना डाल दिया और वो उसमें आराम के साथ बैठ गया, सो गया, वहीं पर उसको नींद लग गई, थक के आया था वो दूर से चल के। और फिर कुछ देर बाद वहां पर एक झाड़ू लगाने वाला आया और उसको उठाया, भाई तुम सोए हो, उठो जाग जाओ। तो बोलता है कौन सा स्टेशन आया, तो बोलता है भाई ये स्टेशन नहीं है, बांद्रा ही है ये। बोलता ऐसे कैसे, मैं तो ये तो ट्रेन यूपी में जाने वाली थी, ये बांद्रा कैसे। तो बोला वो तो चली गई ट्रेन, लेकिन इस डिब्बे को यहां पर काट दिया क्योंकि कोरोना वाला यहां पर आया था, इसलिए इस डिब्बे को काट दिया। अपना दिमाग लगाएंगे तो ट्रेन यूपी नहीं जाएगी, ट्रेन वही रहेगी। मतलब हम क्राउन डायमंड बनना चाहते हैं, क्राउन डायमंड नहीं बनेंगे, जहां पर हम लोग वहां पर रह जाएंगे। तो दोस्तों सिस्टम के साथ चलना है, अपना दिमाग लगा के मतलब नहीं है, जो भी करना है सबका विचार लेके जो भी कदम आगे बढ़ाने हैं अपना दिमाग इसमें ज्यादा लगाना नहीं पड़ता है। अगर मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री में पवन अरोरा जी अगर 20-25 लाख रुपए ले रहे हैं तो मुझे उनको पूछना कि सर आपने कैसे किया, वो रास्ता मुझे बताओ। अगर कोई 10 लाख रुपए ले रहे हैं उनको पूछना है सर मुझे बताओ कैसे वो कमा सकते हैं। अगर कोई 1 लाख रुपए ले रहा है सर मुझे 1 लाख रुपए कैसे कमाना है बताओ। अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उन्होंने वो कर दिया है, वो कर रहे हैं, तो बस अप्लाई इनकी राय लेनी है, अपना इनसे आपको यहाँ पर सपोर्ट लेना है, राय बाहर से नहीं लेनी। अगर बाहर राय लेने जाओगे तो वो राय क्या देगा आपको पता है, आप लोग समझदार लोग, यहाँ जो भी अपने बंदे हैं उनसे, जो भी सक्सेस लोग हैं उनसे राय लेनी है। और अगर अपना दिमाग लगाए बिना ज्यादा से ज्यादा इस अभियान में लोग अगर इकट्ठा है तो ये अभियान जो हम लोग चाह रहे हैं, जो हम लोग चाहते हैं, मुझे क्राउन डायमंड बनना है, जो हम चाहते हैं कि मेरे पास भी मतलब या तो BMW या फिर मर्सिडीज या फिर मेरे पास ऑडी आनी चाहिए, मुझे जगुआर आनी चाहिए, या फिर मेरा पैसिव इनकम आना चाहिए, मेरी करीब करीब 10 करोड़ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जहां से मुझे महीने का पैसिव इनकम मेरा कैसे बने, ये सारे सपने आपके हैप्पी हेल्थ इंडिया में कंप्लीट हो सकते हैं, इसका गारंटी है, क्योंकि प्लान वैसा है, प्रोडक्ट वैसे है और हमारी पूरी सिस्टम वैसे है। तो हमको इसमें खाली बस इस ढांचे में अपने आप को बिठा देना है, हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। दोस्तों आज मैं अगर आपके सामने बोल रहा हूं, मुझे इस इंडस्ट्री में करीब करीब 15-20 साल हो गए। आप सोचिए कुछ लोग मेरे साथ इसलिए अभी जुड़े रहे हैं, हमारे एक नाई साहब करके पीके साहू जी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो मेरे साथ आज इसलिए यहां पर है क्योंकि इसके पहले कंसेप्ट में वो गए थे ओडिशा में, और ओडिशा में उन्होंने वहां पर प्लान दिखाया, सारी चीजें हो गई, और उन्होंने वहां पूछा, उस बंदे ने वहां के ओडिशा के बंदे ने उनको पूछा, ये फैक्ट में बता रहा हूं, वो लोग भी अभी यहां पर सुन रहे हैं कि भाई तुम्हारे अप्लाइन कौन है। तो उन्होंने बताया कि सयाजी पाटिल हमारे अप्लाइन है मुंबई में, और वो पहले ऐसे ऐसे कंपनी कर रहे थे। तो वो नाम सुनते बोला अरे यार वो तो मैं भी जानता हूं उनको। अब वो उस समय समझ गए, उन्होंने भी बड़े लेवल पर काम किया है, वो हमारे जो जिनका मैंने नाम लिया, हमारे साहू साहब या धुमाल साहब जो भी लोग है, बड़े लेवल पर उन्होंने काम किया इस इंडस्ट्री में, करोड़ रुपए वो भी कमा चुके हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई सयाजी पाटिल मुंबई के है और इनको ओडिशा का बंदा जानता है, वो भी इतने एक छोटे से गांव का बंदा इनको जानता है, मतलब इन्होंने भी बहुत बड़ा काम पहले किया है। और वो आज मेरे साथ यहाँ पर इस कंसेप्ट पे उन्होंने शॉपी लिया है, अभी वो दोनों का, दो तीन लोगों का अभी इस क्लोजिंग में पहला रिवार्ड होने जा रहा है, जो हमारा ज्वाइनिंग का फील्ड ऑफिसर का
फर्स्ट रिवॉर्ड उनका 750 का ऑरेंज आ रहा है। तो दोस्तों ये मैं मेरा बड़प्पन नहीं बता रहा हूँ, ये मैं ये बता रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आपको जो पहचान मिलती है वो आपको बाकी किसी जगह नहीं मिलेगी। मेरे चैलेंज है मेरा। अगर एक एक बात ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए जहां पर भी ये लोग गए थे वहां का अगर MLA कौन है, MP कौन है, अगर मुझे भी पूछा जाए तो पता नहीं, या फिर मेरा जो गांव है मेरे गांव का MLA कौन है, MP कौन है, पता नहीं है। MLA MP कॉर्पोरेटर हो या कोई मंत्री हो, उसको जितनी पहचान नहीं मिल सकती उससे कहीं गुना बड़ी पहचान आज डायरेक्ट सेलिंग आपको देता है, APL इंडिया आपको देता है। ये आपको आपको मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे डायरेक्ट सेलिंग वालों की। आपके एरिया के MLA को कोई नहीं जानता लेकिन आपको जानता है, इसका मतलब क्या है कि आप कुछ करके दिखा रहे हो। आपके MLA आपके MP कितना लोगों को मतलब रोजगार दे रहे हैं, कितने लोगों को मतलब आ जाओ आप और हम मिलके बड़ा बिजनेस करेंगे ये बता रहे हैं, मुझे पता नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हमारे लोग, हमारे लीडर्स, हम आप सभी लोग किसी को बुलाते हैं, उसको साथ में बिठाते हैं, कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से स्टेट का है, ना प्रांतवाद यहाँ पर है, ना जातिवाद यहाँ पर है, ना धर्मवाद यहाँ पर है, या कुछ नहीं है। हम उसको अपने बाजू में बिठाते हैं, अपने घर में लेके आते हैं, यस सर आप मेरे पार्टनर हो, आप भी वही पेस्ट इस्तेमाल करते हो जो मैं करता हूँ, आप भी वही साबुन इस्तेमाल करते हो जो मैं करता हूँ, आप भी वही नमक खाते हो जो मैं खाता हूँ, हम दोनों मिलकर इस अभियान में बहुत बड़े लेवल पर जाएंगे, इस अभियान में बहुत बड़ा काम करेंगे। तो ये जो जज्बा यहाँ पर होता है, ये जो सर्कल यहाँ पर आपको मिलता है, ये जो आपको यहाँ पर पावरफुल जो पहचान मिलती है वो बाकी किसी भी फील्ड में नहीं मिलती है। आज आज मैं अगर आपके सामने बात कर रहा हूँ, क्या मेरा कोई MP मेरे या मेरे मैं जान रहा था उसका कॉर्पोरेटर या कोई पता है आपको, नहीं है, लेकिन मुझे आप जान रहे हो, तो वही पहचान आपको सबको मिलती है, सबको मिल सकती है। आज हमारे पवन आरारो जी को, हमारे उपल सर जी को, हमारे संतोष जी को, हमारे जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े लीडर है, पूरा इंडिया जान रहा है, पूरा इंडिया, लेकिन उनके वहां कौन कॉर्पोरेटर है उनके एरिया में, कौन MLA है, कौन MP है, किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन आज इनको लोग जान रहे हैं, ये मिलता है आपको दोस्तों। दूसरी बात, अगर मैं यहां से कहीं जाऊं या आप अगर बहुत अच्छा, अगर आपका लोगों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है डायरेक्ट सेलिंग में, मैं अगर यहां से दिल्ली उतरा और अगर मैंने किसी को फोन किया, मेरे रिलेटिव को, मेरे जो भी मतलब पहचान के लोग हैं उनको, वो बोलेंगे मैं आज यहां पर नहीं हूं, मैं वहां पर हूं, मेरा आज ये मतलब काम निकला है, अगर पहले फोन करते तो मैं यहाँ पर होता, अचानक मेरा कोई काम निकला। लेकिन दोस्तों एक नेटवर्कर, एक हमारा जाबाज नेटवर्कर, अगर उसका बहुत जबरदस्त उनके साथ अगर रिलेशन है और आपने फोन कर दिया तो दोस्तों वो हार माला लेकर वहां पर आता है आपके सम्मान सत्कार के लिए। ये हमने अनुभव किया है पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में हम अनुभव किया हमने। हमको ये बात पता है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग ना होता, अगर ये अगर ये इस तरीके का बिजनेस अगर इंडिया में ना होता, तो आम से आम आदमी को पूरा इंडिया, देश, दुनिया घूमने का मौका जिंदगी में कभी नहीं मिलता। वो अपना जॉब और घर और वो बस उतने में पूरी जिंदगी निकल जाती। क्या दोस्तों आप मतलब वही जिंदगी आज आम आदमी को पूछो, वही ऑफिस 30-35 साल तक, वही टेबल, वही पेन, वही सब कुछ, वही बॉस, वही सारी चीजें 30 साल तक कहां जिंदगी, क्या करेंगे मुझे बताइए। आज डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हर व्यक्ति प्लेन में बैठा इधर उधर न जाने कहां कहां देश दुनिया उसने देखी। अगर ये हमको दृष्टि दी है परमात्मा ने तो ये सृष्टि देखने के लिए, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में आने से आपका सपना पूरा हो सकता है। लाखों लोगों का ये सपना पूरा हो चुका है, क्या किया उनको उन्होंने उसके लिए, बस इस अभियान में आए, इस इंडस्ट्री में आए दोस्तों। APL इंडिया के माध्यम से आज बड़े लेवल पर ही आपका सपना पूरा हो सकता है, बड़े लेवल पर हम लोग इसको लेके जा सकते हैं। आज आपको बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि अगर आज की तारीख में मुझे एक बात पता है, किसी पुरानी कंपनी की अगर हम लोग बात करते हैं, ज्यादा पुरानी 10 लोगों के साथ, तो उसमें से 8 लोग बोलते हैं सर मेरा कार्ड है, देखो ऑलरेडी ये मेरा कार्ड है, मैं पहले जुड़ा था। लेकिन हमारा सद्भाग्य ऐसा है, हम अगर 10 लोगों को बोलते हैं तो उसमें से खाली शायद 2 लोगों को पता हो सकता है, 8 लोगों को हैप्पी हेल्थ इंडिया के बारे में पता नहीं है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है, बहुत बड़ा काम हो सकता है, और इसलिए आप पूरे देश दुनिया में जाएंगे, सब जगह आप घूम सकते हो, हर जगह आपका बिजनेस जा सकता है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज हमारे साथ है यहाँ पर है दोस्तों। तो बहुत बड़ा सर्कल आपको यहाँ पर मिलता है, आपका मान सम्मान यहाँ पर जो कोई भी नहीं करता, इतना यहाँ पर मान सम्मान मिलता है। आपके परिवार में अगर आपने एक बार ठान लिया कि यस मैं यहाँ पर सक्सेस बन के दिखाऊंगा, तो आपका परिवार आपका सपोर्ट करने लगता है, और इस तरीके से आपका पूरे समाज में सब जगह आपका नाम होता है। तो ये नाम अगर चाहिए तो हमको इस डेडिकेशन के साथ इस अभियान में, मैं एक बहुत मतलब
जितनी भी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़े मैं उठा सकता हूं, लेकिन इस अभियान में मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा। दोस्तों आखिरी में एक मैं हमारे एटीट्यूड की बात करता हूं, एक 5 मिनट, उसके बाद मैं फिर उपल सर जी को बोलूंगा कि सर बहुत मुझे ये जो बोलने का मौका दिया है बहुत जबरदस्त लग रहा है। एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए, हमारे परिवार का एटीट्यूड इस बिजनेस में कैसा होना चाहिए? दोस्तों एक बार हमारे उपल सर जी पुणे में एक बंदे का उनको फोन जाता है और वो बंदा बोलता है एकदम फुल पॉजिटिव, सर मैं देख रहा हूँ आपका झूम में मीटिंग चल रहा है, बहुत शानदार बिजनेस है, बहुत जबरदस्त है दोस्तों आपके प्रोडक्ट, सर आपके प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, बहुत पॉजिटिव बोलता है, सर मुझे किसी भी हालत में इसमें बहुत बड़ा काम करना है और बहुत बड़े लेवल पर मुझे जाना है, मुझे भी महीने का 10 लाख 20 लाख रुपए चाहिए, फुल पॉजिटिव। अब उपल जी बोलते हैं कि सर मैं तो पुणे में नहीं आ सकता हूं, और वो क्या करते हैं एक वहां पर हमारे धनंजय शेंडे जी का नंबर देते हैं, और धनंजय शेंडे जी का नंबर देके बोलते हैं कि सर इनको मिलो, ये आपको पूरा बिजनेस का नॉलेज देंगे और पूरा ये आपको सपोर्ट करेंगे। नंबर देते हैं धनंजय शेंडे जी को, एक बार दो बार चार बार पांच बार वो बंदा फोन करता है, लेकिन वो फोन धनंजय शेंडे जी का बिजी है बिजनेस के माध्यम से और वो फोन नहीं उठा रहे। एक दिन ये क्या करता है कि अपना मोटरसाइकिल लेता है, धनंजय शेंडे जी का एड्रेस लेता है उपल सर से और उसके घर पे चला जाता है। घर पे जाने के बाद जैसे ही मतलब वो बेल बजाता है, दरवाजा खुलता है, धनंजय शेंडे सर की धर्म पत्नी जी आगे आती है और वो सामने ये हमारा बंदा उपल सर ने जिनको भेजा है वो वहां पर खड़ा है, वो बोलता है मैडम जी नमस्ते, मुझे उपल सर ने भेजा है हैप्पी हेल्थ इंडिया के बिजनेस के बारे में, मुझे धनंजय जी से मिलना है। तब वो जो सर की जो वाइफ है वो पूरा लाल लाल हो जाती है, कुछ भी इनको मतलब अंदर आ जाओ वगैरह कुछ नहीं बोलती है, बोलती है वो उपल सर ने भेजा है क्या, वो उपल सर मुझे मिलना चाहिए एक बार, अरे उसने मुझे पूरे मेरे हस्बैंड को बिगाड़ के रखा है, अरे मतलब न जाने क्या क्या ये सुबह रात दिन मतलब वही सब बकबक करते रहता है, वो न जाने कौन से प्रोडक्ट घर में लेके आता है, ये मतलब मुझे जबरदस्ती इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, ये प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं है, मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, ये वो मतलब ना उस बंदे को पानी पूछा ना उस बंदे को कुछ मतलब ये पूछा, और ये मतलब इतना पूरा बोलते ना कि पूरा गुस्सा उतार दिया उपल सर का। वो बोलते वो मुझे मिलना चाहिए, अगर वो कभी आएंगे ना पुणे में तो मैं छोड़ेंगे नहीं उनको, क्योंकि अच्छा खासा जॉब कर रहे थे, इन्होंने इसको बिगाड़ के रख दिया है, और तुम भी मत करना भाई साहब ये काम, ये बहुत बेकार काम है, ये करो मत, तुम जाओ चुपचाप और चुपचाप अपना जो भी नौकरी धंधा कर रहे हो करो और चुपचाप घर में बैठो। ये बंदा इतनी उम्मीद के साथ इतना मतलब पॉजिटिव होके इतना उन्होंने सुना था हैप्पी हेल्थ के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और सबके बारे में, ये वहां से आते समय पूरा 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 जीरो होके अपने घर चला जाता है। ये एक एटीट्यूड हो गया दोस्तों, एक एटीट्यूड। दूसरी वही सिचुएशन, हमारे पवन सर जी को एक फोन जाता है कोल्हापुर से और वो बोलता है कि सर मुझे बहुत जबरदस्त काम करना है और मैं काम करना चाहता हूं और मुझे आप जानकारी दे दो। तो वो बंदे को पवन जी बोलते हैं कि अपने तरीके से उसको समझाते हैं, लेकिन वो फुल नेगेटिव, पूरा नेगेटिव। फिर वो बोलते हैं कि भाई चलो मेरे से काम नहीं होगा, तुम वो हमारे बजरंग पावले जी कोल्हापुर में है उनका नंबर देते हैं और उसको मिलो। तो ये बजरंग पावले इनको कॉल करते हैं, अरे सर आपने वो पवन जी को फोन किया था आप आ जाओ, अरे नहीं मेरे पास भी 2-3 प्लान है, मैं भी मतलब ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं ऐसा वैसा मतलब थोड़ा सा ये करता है, अलग 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 बोलता है। अब बार बार फोन करने के बाद भी मतलब ये नहीं जाता, तो एक बार ये क्या बोलता कि यार ये अभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है, मैं जाता हूं अभी इसके घर में और इसको भी निगेटिव करूंगा और ये जिंदगी में कभी हैप्पी हेल्थ इंडिया नहीं करेगा और वो पवन जी का भी नाम भूल जाएगा। फुल निगेटिव, पहले वाला बंदा फुल पॉजिटिव और ये बंदा फुल डायरेक्ट सेलिंग के लिए निगेटिव, ये ऐसे मतलब मजाक ले रहा है, मजा ले रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। अब ये एक दिन मतलब चला जाता है, ये बार बार फोन कर रहा है, चलो इसका एक बार मैं पूरा मतलब काम तमाम करके आता हूं। ये एटीट्यूड से ये बंदा मतलब इनके घर में जाता है और पावले साहब के घर में और जाके बेल बजाता है, सेम सिचुएशन, बजरंग पावले जी की वाइफ बाहर आती है घर से और ये पूरा नेगेटिव होके मतलब गया है वहां पर, बाहर आती है और ये बोलता है बजरंग पावले है क्या, तो वो बोलते नहीं बजरंग जी तो घर पे नहीं है बाहर गए, सर आप बोलिए ना क्या काम है।
अब यहां पर जब ये सर बोला जाता है उसको सर, तो ये बंदा बोलता है यार अभी तक मेरी जिंदगी में मुझे कोई सर नहीं बोला, लेकिन ये मैडम ने मुझे सर बोला, मतलब ये थोड़ा सा उसका, थोड़ा सा मतलब बोलते ना 0.01% उसका दिमाग थोड़ा सा क्लिक हो जाता है। फिर वो बोलता है नहीं नहीं ऐसे ही मेरा कुछ काम था, मुझे वो पवन जी ने नंबर दिया था इसलिए मैं आया था। अरे बाप रे सर आइए ना प्लीज सर, प्लीज सर आइए। वो घर में बुला दिए, घर में बिठा दिए और तुरंत जाती है पानी लेके आती है और बोलती है अरे बाप रे पवन सर ने भेजा है, अरे सर क्या बात है, अरे सर का तो मतलब क्या नाम है सर, कितने बड़े लीडर सर, उनका तो मतलब उनके क्या बोलूं मैं, उनकी वजह से आज ये मेरा जो बजरंग जो पति है वो पहले सर न जाने क्या क्या मतलब इधर उधर घूमता था, क्या करता था, सुबह जल्दी उठता नहीं था, जात पे जाओ बोलता तो भी नहीं जाता था, मतलब पूरा वही जिंदगी, बेकार जिंदगी, रोज वही मतलब ये अलग अलग अलग, वो दो तीन छोटे मोटे MLM भी करता था, लेकिन सर पहली बार वो पवन जी ने इनको एक ऐसा कंसेप्ट दिया है हैप्पीएस्ट इंडिया, सर मैं ठन्ने हो गई, मतलब वो कितना तारीफ करू पवन जी का उतना कम है। पहले वाले में क्या था, वो एक बार उत्पन्न मुझे मिलना चाहिए, एक बार वो उत्पन्न सर मुझे मिला है उनको ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन इसमें क्या हो गया ये फुल नेगेटिव बंदा गया है। लेकिन जब ये सब सुनता है कि ये मैडम इतनी तारीफ कर रही है, मतलब एटीट्यूड, फिर वो घर में जाती है बोलती है सर मैं आज आपको ऐसी चाय पिलाऊंगी कि आपने जिंदगी में कभी नहीं पी होगी, मेरी कंपनी की चाय, मेरे हैप्पी हेल्थ की चाय, क्योंकि ये चाय मुझे हैप्पी हेल्थ की वजह से, पवन जी की वजह से, उपल जी की वजह से और संतोष जी की वजह से आई है सर, ये चाय हमारे लिए चाय नहीं है, इसमें हमारे पूरे बच्चों के, हमारे पूरे परिवार के सपने छुपे हुए हैं सर, आपको चाय पीने के बगैर नहीं जाना है सर, शरबत चाहिए तो बोलिए मैं हैप्पी हेल्थ का आपको शरबत दिलाती हूँ सर, आप मतलब आप एक बार हमारी खीर खा के देखिए, ये देखो सर मैंने घर में पूरे प्रोडक्ट सजा के रखे है सर, देखो ये प्रोडक्ट हमारे लिए प्रोडक्ट नहीं है, कितने प्रोडक्ट है देखो सर, आज ये मार्केट से सस्ते, मतलब पूरा जो प्लान है ना जो रिपर्चेस ज्वाइनिंग उतना नहीं, लेकिन अपने हिसाब से जो मैडम को बोलना था, मार्केट में 25-30 रुपए का साबुन आता है, 40 रुपए का आता है, जो उसमें टॉयलेट सोप लिखा रहता है सर देखो ये हमारा साबुन, हमारे इसमें बाथिंग बार लिखा हुआ है, हमारा ग्रेड फर्स्ट वाला साबुन है, हमारा साबुन आपको मात्र 15 रुपए में आता है, 2 रुपए छूट मिलती है, कुछ नहीं दुकान बदली करना है, अपने सपने पूरे हो जाएंगे। ये बंदा पूरा 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 वहां पर जो निगेटिव होके गया था सब जाके देखता है, अरे बाप रे क्या बात है, और ये परिवार में कितना ये पॉजिटिव माहौल है, एक वो सिचुएशन और एक ये सिचुएशन, तुरंत वो बोलता है मुझे पावले सर से मिलना है और मुझे भी इसमें काम करना है, क्योंकि इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतने सच्चे, इतने जबरदस्त हेल्थ के प्रोडक्ट, इतने सारे सस्ते प्रोडक्ट, बहुत ही पावरफुल। और इस तरीके से वो बंदा जो नेगेटिव था, लेकिन एटीट्यूड, बिजनेस को देखने का एटीट्यूड, घर का माहौल, इसके वजह से वो बंदा जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, और जो फुल पॉजिटिव था घर के माहौल की वजह से, वो मतलब एटमॉस्फेयर जो होता है उसकी वजह से नेगेटिव हो गया। तो दोस्तों हमको सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस में, अपने परिवार को, अपने जो पूरी टीम है उसमें पॉजिटिव माहौल कैसे बनाए, जोशीला माहौल कैसे तैयार करें। और एक बोलते हैं ना, मैं वही फिर वापस बोल रहा हूँ, एक अभियान के रूप में, जब तक सारा जहां यहां पर इकट्ठा नहीं होगा तब तक ये होने वाला नहीं है। हम सभी के सभी अपनी फील्ड के, अपने मतलब हैप्पी हेल्थ के पक्के खिलाड़ी बनेंगे, और अगर पक्के खिलाड़ी बनने हैं तो सबको इकट्ठा होकर ये नॉलेज का जो खजाना है वो रोज डेली यहां पर लेना पड़ेगा, और अगर नहीं लेंगे तो कहानी आप सबको पता है, हम लोग मतलब आनंद के साथ ये जो बिजनेस है आनंद के साथ करेंगे, पूरे मतलब आनंद के साथ, क्योंकि परिवार अगर साथ में, सारी चीजें अगर साथ में है तो आनंद के साथ इसको करना चाहिए। आपको सबको एक एग्जांपल पता है जो आपके घर का है, आपको सबको मतलब ये बिजनेस करते समय आनंद आना चाहिए, मुझे आनंद आता है, मेरी टीम को भी मतलब वही मैं मतलब महसूस करा रहा हूँ कि आनंद आना चाहिए। अगर गोदरेज से लेके काम करोगे तो काम नहीं होगा, आज अगर आनंद नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर घर में बैठे बैठे पॉजिटिवली ये काम नहीं करते। आज मतलब लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारे पिन नहीं निकलते, इसका कारण ये कि जो कुछ लोग इसको आनंद के साथ कर रहे हैं। आनंद का मतलब क्या है, आपके बच्चे रोज, अगर छोटे बच्चे स्कूल में जाने हैं तो उनको उठाना पड़ता है, डेली मतलब उठाना पड़ता है, कभी कभी कुछ माताएं मतलब उसको उठा के बाथरूम में लेके जाती है, वहां पानी डालती है उसके ऊपर, तब तक वो उसका आंख नहीं खुलता, ये हालत है। लेकिन जिस दिन बच्चे को ट्रिप में जाना होता है, स्कूल की ट्रिप जाती है, उसको कहीं घूमने जाना होता है स्कूल के माध्यम से, उसने पैसे भर दिए और वो अभी ट्रिप में जा रहा है, कहीं पर पिकनिक में जा रहा है स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, तब उस बच्चे को उठाना नहीं पड़ता, वो सबसे पहले उठ के आपको उठाता है। ये हर किसी के घर में, घर की कहानी है, ये आपको पता होगा। मतलब जहां पर आनंद होता है, जहां मतलब होता है ना स्पिरिट, वो अलग स्पिरिट होता है,
उठने का स्पिरिट अलग होता है, वो जागने का स्पिरिट अलग होता है, अंतरात्मा जाग जाता है उस समय। हम पूरे मतलब अंदर से पूरे मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं उस समय, हमको किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उठ जाता है। वो आनंद अगर सक्सेस पाना है, वो आनंद जिस दिन हैप्पी हेल्थ इंडिया में आपको आने लगेगा ये काम करते समय, वो पिन आपके लिए दूर नहीं है, वो BMW आपके लिए दूर नहीं है, वो जो आपका सपना है घर वो आपके लिए दूर नहीं है, ये आनंद आना चाहिए और आनंद के साथ हमको काम करना है। और दोस्तों इस आनंद को हमको बहुत बड़े लेवल पर अपनी टीम में भी तैयार करना है, वही हमारा काम है। और इसलिए लास्ट में एक छोटी कहानी बता के मैं ये मेरे स्पीच खत्म करता हूँ। दोस्तों आप सभी को पता है उतरना ही है इस तालाब में, हैप्पी हेल्थ इंडिया के तालाब में हमको सबको उतरना है, जहाँ पर ये सारे डायमंड क्राउन ये सब सब जो भी सपने हैं वो सब इसमें छिपे हुए हैं। तो आपको वो कहानी पता है, शायद इसके पहले भी हो चुकी होगी, कि एक बंदरों की एक ये मतलब एक जगह इकट्ठा होता है सारे बंदर, और वहां पर एक तालाब है, एक अनाउंसमेंट होती है, एक आकाशवाणी होती है कि भाई जो भी बंदर इस तालाब में कुदी मारेगा वो इंसान बन जाएगा। सभी बंदर बोलते हैं अपने कोई बेवकूफ बना रहा है, अपना कोई मतलब मजाक उड़ा रहा है। फिर एक बार अनाउंसमेंट होती है, आगे खाली 5 सेकंड आपके पास है, अगर 5 सेकंड में कोई अगर कुदी मारेगा तो वो इंसान बन जाएगा। सब बंदर है हंसते हैं, बोलते हैं ये मजाक कर रहा है, तब तक एक बंदर उसमें कूद जाता है और वो सही में इंसान बन जाता है। तो बाकी बंदर उनको बोलते हैं अरे भाई तू कैसे कूदा यहाँ पर, क्या मतलब क्या है तुम्हारा कूदने का, अरे यार मुझे हमको लगा कोई मजाक कर रहा है। तो बोलता है कि भाई वैसे भी अगर मैं नहीं कूदता तो बंदर ही हूं और कूदू, और अगर गलती से अगर इंसान हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, गलती से भी अगर इंसान हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, अगर नहीं भी हुआ तो आखिर में मैं क्या हूं, बंदर हूं ही हूं, और इसलिए मैं कूदा। तो दोस्तों इस बहुत बड़े अभियान में आपको कूदना है, हैप्पी हेल्थ इंडिया के इस बहुत बड़े तालाब में समुन्द्र में आपको कूदना है, क्योंकि आप यहाँ पर सही में नेक और सच्चे और बहुत पावरफुल इंसान बनने वाले हो, और उस इंसान बनने के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और इतना बोल के मैं, जो भी आपने मुझे सुना इसलिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली मैं उपल सर का धन्यवाद करता हूँ, और मैंने जो भी यहाँ पर बोला कुछ अगर गलत लगा होगा किसी को तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, और कुछ लोगों को अगर मेरी कुछ बातें अच्छी लगी हो तो जरूर उनके जीवन में परिवर्तन आएगा ऐसी उम्मीद करके मैं मेरे 2 शब्द यहाँ पर विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू उपल सर। थैंक यू सर, थैंक यू पाटिल सर, नो डाउट बहुत ही ग्रेट, जबरदस्त, आपने तो आज इतनी जबरदस्त नॉलेज दी है। आप कुछ दोस्तों को क्या है, मेरे को तो पूरी 100% उम्मीद है कि पूरा हैप्पी हेल्थ इंडिया परिवार जितने भी दोस्त आज सुन रहे थे सभी को आज की मीटिंग बहुत ही बेहतर लगी होगी। जैसे आपने बताया, नो डाउट आज की डेट में हमारी सिचुएशन तो वही हो रखी है कि ऑलरेडी हमारे दिमाग में पहले से कुछ है, तो हमारी अपलाइन हमारे सिस्टम को उसमें ज्यादा मेहनत करनी होगी पहले उसको खाली करवाने के लिए, फिर उसमें कुछ ना कुछ भर पाएंगे। तो यही हो रहा है आज की डेट में, हम ऑलरेडी इतनी कंपनीज कर चुके हैं कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में पुरानी तामर पत्र घूमते रहते हैं कि मैं पहले उसमें वो था, मेरी ये पोजीशन थी, मैं ये था, मेरी इतनी टीमें थी। अब उनको निकालने के लिए पहले मेहनत लगेगी, समय लगेगा, फिर ही वो जीरो लेवल पे आएंगे अपने माइंड के, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे हैप्पी हेल्थ इंडिया में या किसी भी कंसेप्ट के अंदर। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बड़ी अच्छी नॉलेज दी है आज हमें सैया जी पाटिल साहब ने, जिसके माध्यम से हम बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं, और इन्हीं छोटी छोटी बातों को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे एटीट्यूड की बात बताई तो नो डाउट वो भी बिल्कुल सही बात है, अगर हमारी फैमिली हमारा साथ नहीं दे रही तो समझो हम चाहे जितना मर्जी भी बड़े लेवल पे चले जाएं हमारी वैल्यू नहीं पड़ने वाली, हम बड़े लेवल पे आगे नहीं बढ़ने वाले। तो हमें हमारे परिवार को साथ लेकर चलना है, क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस है, और फैमिली बिजनेस के अंदर फैमिली का हर मेंबर आपका इतना बड़ा ट्रेनर होना चाहिए कि कोई भी उसके पास बैठे बात करे सी हैप्पी हेल्थ इंडिया की, वो फट से उसके बारे में बोलना शुरू कर दे। तो ये सब चीजें धीरे धीरे होंगी, पहले दिन नहीं होंगी, जैसे हम ये जानकारियां ले रहे हैं तो इन जानकारियों को अपनी टीमों के अंदर अपने परिवार के अंदर बताना शुरू करें, बात करें, तभी भी ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल सर आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, हमें बहुत अच्छा लगा आज की इस मीटिंग के अंदर आपने इतनी ढेर सारी जानकारियां शेयर की हैं, और ये बेसिकली आपका एक्सपीरियंस है।
देखिए दोस्तों, जितने भी लीडर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस ही बता रहे हैं। उनकी लाइफ के जितने डेटा डार्क सेलिंग के अंदर जितना बड़ा एक्सपीरियंस है उतनी बड़ी बातें उनकी हैं। तो आज वही चीजें हमारे साथ हुई हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर भी हम ये सिलसिला लगातार जारी रखेंगे। हमारे पास ये नॉलेज, जो खजाना है, हैप्पी हेल्थ इंडिया के एक एजुकेशन सिस्टम है जो इतना बड़ा काम कर रहा है, इतनी सारी नॉलेज हमें दे रहा है, तो ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो कल शाम को 6 बजे हम मिलेंगे मिस्टर धर्मेंद्र जैन जी के साथ, उनसे बहुत सारी जानकारियां लेंगे, उनका एक्सपीरियंस हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, उनसे हम सीखेंगे कि वो कंपनी के क्राउन कैसे बने और हम क्राउन कितनी जल्दी और कैसे बन सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ आज की जूम मीटिंग में, और मीटिंग के अंत में एक बार दोबारा आप सभी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा आज पवन सर का जो बर्थडे है उसके रिगार्डिंग। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास ऐसी डायनेमिक अपलाइन है, डायनेमिक फर्स्ट आईडी है,